हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे मैं आपको नोड जेएस में आने वाले एफएस मॉड्यूल की एरर बताऊंगा और उसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे फटाफट हम वीएस स्टूडियो ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम रीड फाइल डॉट जेएस। अब यहाँ पे हम fs मॉड्यूल के फंक्शन की मदद से एक टेक्स्ट फाइल रीड करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉट txt। ओके, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल में एंटर करेंगे हेलो हाउ आर यू। ओके, और उसे कंट्रोल s से सेव करेंगे। अब यहाँ पे हम रीड फाइल डॉट जेएस में इस टेक्स्ट फाइल को रीड कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंटर करेंगे रिक्वायर और यहाँ पे हम fs एंटर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम const टेक्स fs डॉट एंटर करेंगे। ओके, जब आप fs डॉट एंटर करोगे तो यहाँ पे सभी fs के फंक्शन आ जाएंगे। ओके, बट कई कंप्यूटर या लैपटॉप में आप fs डॉट एंटर करते हो तो ये फंक्शन नहीं आते, अब वो एक एरर है। तो आज हम वो एरर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ पे node.js एंटर करना। अब हम node.js की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे हम डोस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा node.js का वर्जन है 16.30.1, तो यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे हम फाइल सिस्टम पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने मॉड्यूल है यहाँ पे। अब यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये ऑप्शन है। ओके, जो हम उसकी मदद से fs मॉड्यूल के फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये एंटर करना पड़ेगा। और बट यहाँ पे मैं ये रिकमेंड नहीं करता, यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप उस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आप ये यूज करना। ओके, अब नीचे भी यहाँ पर हम CJS पर लाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, हम उसकी मदद से fs मॉड्यूल के फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली इस क्रोम को क्लोज कर देना और यहाँ पे फिर से वीएस स्टूडियो पर आ जाना। अब यहाँ पे जब आप fs डॉट एंटर करोगे तो आपके सभी fs के फंक्शन शो हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम रीड फाइल करवाने के लिए रीड फाइल सिंक्रोनस का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल का नाम टेक्स्ट रखा था। ओके, txt। अब यहाँ पे हम utf-8 एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कंसोल डॉट लॉग करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनेट ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे हम उसे रन करेंगे तो यहाँ पे ये एरर बताई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पाथ सेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 01 ट्यूटोरियल फोल्डर में जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं CD 01 ट्यूटोरियल फोल्डर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से होम फोल्डर में जाऊंगा। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं होम फोल्डर में आ चुका हूँ। अब हम उसे रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी टेक्स्ट फाइल रीड हो चुकी है, हेलो हाउ आर यू। ओके, तो आई होप आपकी ये एरर सॉल्व हो चुकी होंगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको अगला वीडियो किस एरर पर चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।